ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां प्रदेश सरकार भले ही निःशुल्क राशन वितरण करने की बात कहती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। गरीबों को निःशुल्क मिलने वाला राशन खुद विक्रेता डकार रहे हैं, तो ग्राहियों को मुफ्त राशन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। बंडा के ग्राम सेमरा दांत में उचित मूल्य की दुकान में विक्रेता रामकृष्ण पांडे धड़ल्ले से हितग्राहियों से निःशुल्क राशन के पैसे ले रहा है। हितग्राहियों ने नाराज होकर दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया। रोड पर जाम लगाने के बाद उन्हें राशन मिल पाया। आपको राशन मिला थे? मिला तो है, मानो जो नहीं मिला रहा। कितने महीना से नहीं मिलो? अब यही महीना में सुनाते के पैसों को मिल गया है, मानो गैर पैसों को नहीं मिलो। वो आपके राशन कार्ड पे तो चढ़ा दो उनने। हाँ, वो चढ़ा दो। आपके लिए जब पैसा आप दे तो रसीद दे थे वापस? नहीं दे दिया। परमिट कौन सा है आपको? गरीबी रेखा आती? गरीबी रेखा जो है गरीबी रेखा नहीं रही। बोलते वो आपका फिंगर नहीं आ रहा, फिंगर आ रहा है। आपको कैसे पता चला? मेरे को ऐसा पता चला जब मैं गुजरात से इधर आया, फिर मैं लेके गया, मैंने कि लगा फिंगल कैसे नहीं बाबू कोटा आता, कैसे नहीं फिंगल आ रहा, तो फिंगल फिर आ गया, फिर उसने कोटा मेरे सामने दे दिया। और पहले 3 महीने से मैं नहीं रहा तो उसने फिर कोटा नहीं दिया। उतना नहीं था पूरा कि हम पूरा दोनों माए का मैंने प्रधानमंत्री और रेगुलर का बांट सके, तो हमने रेगुलर का बांट दिया। और बाकी और माल आया तो हम वो भी बांट रहे हैं, फ्री वाला भी। लेकिन ग्रामीण बता रहे हैं कि हमें राशन नहीं दिया गया, जिसके लिए चक्कर जाम करना पड़ा। तो फ्री वाला नहीं दिया था हमने, क्योंकि हमारे पास तो उतना स्टॉक नहीं था कि हम पूरे गांव को दे सकें, तो हमने इसलिए एक मत का दे दिया कि रेगुलर का दे दो और माल आ जाएगा तो अपन फिर फ्री वाला भी दे दें।